Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Cash Flow Statement from question number 52. वैसे तो students ये questions वैसे तो बिल्कुल same है previous questions की तरह, but still कई बच्चों को इनमें doubt आ रहा था, तो आज हम discuss करेंगे. सबसे पहले question number 52. From the following balance sheet of SRS Limited and the additional information as on 31st March 2016, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हमें गिवन है, उसमें शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल गिवन है, जो कि पहले 3,50,000 का था और अब 4,50,000 का हो गया है. तो स्टूडेंट्स देखो, पहले शेयर कैपिटल 3,50,000 का था और अब शेयर कैपिटल 4,50,000 का हो गया है, तो बढ़ गया है और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो हम इसको फाइनेंसिंग में प्लस कर देंगे. देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सब हम नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे. टैंजिबल इनटैंजिबल एसेट्स, ये भी नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे. फिर जो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, स्टूडेंट पहले 50,000 की थी और अब 75,000 की हो गई है, तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो है ये बढ़ गई हैं, मतलब परचेज हो गई है. तो परचेज हुई होगी तो कैश का आउटफ्लो हो गया होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में. फाइन, देन करंट इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये दोनों हम लास्ट में कंसिडर करेंगे और जो इन्वेंट्रीज का पार्ट है उसको हम नोट्स टू अकाउंट में लेके जाएंगे. ठीक है, अब नोट्स टू अकाउंट देखते हैं स्टूडेंट्स. नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले आपको सरप्लस बैलेंस गिवन है, फाइन. देन 12% डिबेंचर्स देखे तो 1,75,000 से 2,25,000 के हो गए हैं, तो डिबेंचर स्टूडेंट बढ़ गए हैं, तो जो इतने ये बड़े हैं उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा देंगे. देन बैंक ओवरड्राफ्ट 37,500 का था और अब 75,000 का हो गया है, तो ये भी बढ़ गया है. मतलब देखो, अगर हमने किसी से, तो स्टूडेंट्स देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट जब बढ़ा है, इट मीन्स हमने कहीं से कैश बोरो करी है, लायबिलिटी तो बढ़ गई है बट कैश का इनफ्लो हुआ है, तो इसको आप फाइनेंसिंग में प्लस करोगे. देन देखो, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है. अगर तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्स रिलेटेड कुछ हुआ तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो हम सिंपली जो करंट ईयर का बैलेंस होगा उसको स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे और जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है उसको लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस कर देंगे. और अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखोगे तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलेगा, इट मीन्स हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट प्रिपेयर करने की नीड नहीं है. उसके बाद आपको गुडविल गिवन है, पहले मशीनरी गिवन है, तो मशीनरी भी स्टूडेंट बढ़ रही है, इट मींस परचेज हुआ है मशीनरी का. और आपको साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, और साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सेकंड पॉइंट में काफ़ी सारी चीज़ें आपको गिवन है कि मशीनरी आपको बताई हुई है, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताया हुआ है और लॉस भी बताया हुआ है, इट मीन्स हमें मशीनरी का भी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन दोनों का अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. देन गुडविल देखी जाए तो 75,000 की थी, 50,000 की हो गई है, तो गुडविल कम हो गई है, गुडविल एमोटाइज हो गई है या फिर गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई है, तो इसको ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे. और स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्रीज तो हमने देख ही लिया था कि इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं, जब भी इन्वेंट्रीज मतलब करंट एसेट बढ़ता है तो उसको हम लेस करते हैं, तो ऑपरेटिंग में उसको लेस कर देंगे. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट. प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, ठीक है. तो इसमें आप कौन से वाला बैलेंस लिखोगे, 1,25,000 माइनस 50,000, तो ये बैलेंस आ गया 75,000 का, ठीक है. इसके बाद क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स ले लेंगे, तो कि अकाउंट तो प्रिपेयर करने की नीड नहीं है, तो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो जो करंट ईयर वाला है ना उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे ले लो. तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला कितना है, 1,00,000 का. इन दोनों को प्लस करके स्टूडेंट 1,75,000 आ रहा है. ये 1,75,000 क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, फाइन. इसके बाद हमने क्या देखा था कि गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही थी, गुडविल रिटर्न ऑफ, तो वो ले लो 25,000 से, फाइन. उसके बाद देखो स्टूडेंट, जब भी मैंने क्या बताया था, डिबेंचर्स का बोला हो या ना बोला हो इंटरेस्ट का, तो स्टूडेंट इंटरेस्ट हम ज़रूर लेंगे. इंटरेस्ट ऑन कितने परसेंट डिबेंचर्स आपको बताए हुए थे, 12%. तो स्टूडेंट ओपनिंग बैलेंस है 1,75,000 का, उसका अगर आप 12% निकालोगे तो वो 21,000 आ जाएगा, ठीक है. स्टूडेंट्स हमें
जैसे कि अब हमें लॉस ऑन मशीनरी या प्रॉफिट जो भी हुआ है या फिर डेप्रिसिएशन का अमाउंट चाहिए, इसीलिए हम मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मशीनरी क्या है, एसेट है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। तो डेबिट साइड पे आप यहाँ लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्रेडिट साइड पे लिख दोगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो ये आपको बताया हुआ है 5225 00 का, और ये है 8375 00। फाइन, अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सेकंड पॉइंट में उन्होंने आपको बताया है कि मशीनरी की 40,000 की कॉस्ट थी, जिसको एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 20,000 का लगा और हमने उसको 5,000 पे बेचा है। तो स्टूडेंट इस बार क्या हुआ, उन्होंने आपको लॉस बता दिया बट सेल वैल्यू नहीं बताई है, तो वो अब हमें निकालनी है। तो देखो आप किस तरीके से निकालोगे। देखो मशीनरी थी कितने की, 40,000 की, ठीक है, उस पर आपने कितने का डिप्रिसिएशन लगाया है, 20,000 का। अब उसकी वैल्यू कितनी बची, 20,000 की, ठीक है, और उस पर ना हमें 5,000 का लॉस हो गया, तो मतलब हमने बेचा कितने पे, 15,000 पे। ये आ गई सेल वैल्यू और ये है लॉस, और ये हमने क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इधर से अब आपके पास जो जो ये अमाउंट आया उसको यहाँ पे अब आप पुट करते जाओ। तो यहाँ पे देखो पैसा कहाँ पे आता है, बैंक में ना सेल करके, तो बाय बैंक करके यहाँ पे सेल का अमाउंट आ जाएगा 15,000। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो उसने बताया ही हुआ है आपको कितना, 20,000, और बाय PNL अकाउंट करके यहाँ पे लॉस आ जाएगा, लॉस भी बताया हुआ है 5,000। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है ना कि कभी वो परचेज, वैसे तो मोस्टली हमें क्वेश्चन में परचेज खुद निकालना है, और कहीं बार वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बता देगा और कहीं बार वो आपको सेल वैल्यू बता देता है। फाइन, तो यहाँ पे बैंक में परचेज की अब बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको दिख जाए ना बैलेंस शीट वगैरह में कि हाँ मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है, तो इतना समझ जाओ कि बैलेंसिंग फिगर परचेज की ही आने वाली है, तो वहां से भी उस चीज़ का आपको आइडिया लग जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे परचेज की जो वैल्यू है वो 3,55,000 आ गई। अब हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्रेडिट साइड पे इसका क्लोजिंग डेबिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैरेट डाउन। अब मेरे को वो जर्नल एंट्री बताने की नीड नहीं है, वो हम बहुत बार देख चुके हैं। तो यहाँ पे मशीनरी में आपके पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगा है ना, देखो इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम डेबिट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन के नाम से मशीनरी के अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब बार बार ये नहीं बताने की जरूरत है 20,000 से। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास बाय PNL अकाउंट करके ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, जिसको हम अभी कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ऑपरेटिंग में। 70,000 ओपनिंग बैलेंस है और 1,05,000 क्लोजिंग बैलेंस है, तो 55,000 का ये आ जाएगा। अब हम अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, 1,25,000 ऑन बोथ द साइड्स। तो अब आगे कर लेंगे स्टूडेंट्स। देखो अब आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, अब आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट ले लोगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी क्या आई थी बैलेंसिंग फिगर 55,000। ठीक है, देन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऐड हो जाएगा, और प्रॉफिट होता है तो वो लेस हो जाता है, तो लॉस हुआ है तो ये आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, तो लॉस हो रहा था 5,000 का, तो टोटल 1,06,000 ऐड होगा, तो 2,81,000 का अमाउंट आ जाएगा। ये 2,81,000 क्या आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फाइन, अब हम इसमें क्या करेंगे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप लेस करोगे, क्योंकि तो इन्वेंट्रीज बढ़ रही थी। ठीक है, तो 25,000 आप लेस कर दो, तो आपके पास स्टूडेंट 2,56,000 का अमाउंट आ रहा है। ये 2,56,000 क्या आया है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और कुछ भी करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज से रिलेटेड आपको गिवन नहीं है। लास्ट में हम क्या करते हैं, टैक्स पेड माइनस कर देते हैं, तो सिंपल जो प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर वाला था ना, उसको यहाँ पे ले लो और माइनस कर दो, अमाउंट आ जाएगा 1,93,500। पॉजिटिव आ रहा है, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया है। ठीक है, बहुत इजी था। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखो सबसे पहले हमने अभी क्या देखा था, सेल ऑफ मशीनरी है ना, अभी हमने अकाउंट प्रिपेयर किया, वहाँ पे 15,000 की सेल की वैल्यू आ रही थी, और परचेज भी हमने निकाला था ना, परचेज ऑफ मशीनरी वो भी ले लो 3,55,000 का। ये नेगेटिव आएगा क्योंकि इसमें कैश का आउटफ्लो होगा। देन हमने देखा था कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रही थी, इट मीन्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का भी परचेज हो रहा था,
तो आप वो भी ले लोगे 25,000 से। तो स्टूडेंट इन दोनों को प्लस करके 3,80,000 आएगा। 3,80,000 में से जब आप 15,000 लेस करोगे तो आपके पास 3,65,000 का अमाउंट आएगा। तो ये 3,65,000 नेगेटिव बैलेंस आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग लास्ट। सबसे पहले जो हमने देखा था वो हमने देखा था कि इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा था, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 से, ठीक है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 37,500 से, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने पे किया है, ऑपरेटिंग में प्लस किया है, यहाँ पे माइनस कर देंगे, 21,000 का अमाउंट आ रहा था क्योंकि कैश का आउटफ्लो तो हुआ है बट आउटफ्लो हम इसको फाइनेंसिंग में दिखाते हैं। देन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स किया था ना, इश्यू ऑफ मतलब डिबेंचर्स बढ़ रखे थे, है ना, तो बड़े हैं तो ये फाइनेंसिंग में प्लस होगा 50,000 से। तो इसको सॉल्व करके 166,500 आ रहा है स्टूडेंट। ये क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप करेंगे तो 5,000 आपके पास यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस ही निकल के आ रहा है। इसमें आप ओपनिंग प्लस कर लोगे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कैसे आएगा, 26,500 प्लस 35,000, तो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का भी लेना है और करंट इन्वेस्टमेंट्स का भी लेना है, तो इनको प्लस करके 61,500 आएगा। और मतलब प्लस माइनस करेंगे इसको तो 56,500 का अमाउंट आएगा, ठीक है। और ये 56,500 ही क्लोजिंग है, दैट इज 36,500 प्लस 20,000। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल 13,50,000 का था और अभी भी 13,50,000 का ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस हम फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर हम देखें तो पिछले साल कुछ भी नहीं थी और इस साल वो 8,10,000 की हो गई हैं, बढ़ गई हैं, तो फाइनेंसिंग में प्लस कर देंगे। देन ट्रेड पेबल्स 5,04,000 के थे और अब 4,02,000 के हो गए हैं, तो ट्रेड पेबल्स कम हो गए स्टूडेंट्स, तो हम इसको माइनस करेंगे ऑपरेटिंग में। देन प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, देन फिक्स्ड एसेट्स भी आपको गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस गिवन है, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सब कुछ गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व बताया हुआ है, तो ये दो अलग अलग कैटेगरीज बन जाएंगी। पहले जनरल रिजर्व वाला भी आप लोगे और साथ में सरप्लस का लोगे, इसलिए नोट्स टू अकाउंट को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में स्टूडेंट बताया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जो 24,000 की थी उसको आपने 25,500 के लिए बेचा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप अकाउंट नहीं भी प्रिपेयर करना चाहते तो भी हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है ना, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, साथ में सेल्स से रिलेटेड गिवन है, और कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ लॉस भी हो सकता है, इसीलिए हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। देन क्या था कि प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो गिवन था, बट यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी प्रोविजन फॉर टैक्स रिलेटेड कुछ गिवन है, इसीलिए हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का भी अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड भी चीज़ें बताई हुई हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स का भी अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जो इंटरिम डिविडेंड पे की है वो भी अमाउंट है, तो इंटरिम डिविडेंड भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस करेंगे, जैसे कि हम जो ट्रीटमेंट आप बाकी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का करते हो वही ट्रीटमेंट इंटरिम डिविडेंड का भी वही होता है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, जो अमाउंट कैसे आएगा, 2,04,000 माइनस 1,68,000 दैट इज 36,000। देन आपको जनरल रिजर्व का अमाउंट बताया हुआ था, है ना, तो 9,30,000 माइनस 9,00,000 इज 30,000, ठीक है। देन आपको इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया हुआ था स्टूडेंट्स, लास्ट वाले पॉइंट में 1,20,000 का। एंड देन प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो कर लेते हैं। ये लाइबिलिटी अकाउंट है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन। तो ये आ रहा है 2,25,000 का और ये है 30,000 का, ठीक है। फिर आपने क्या किया, पे किया है, तो बाय
PNL अकाउंट 27,000, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है। और देन आपके पास यहाँ पे टू बैंक करके जो आपने टैक्स पे किया है ना उसकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ रही है 2,22,000 की। तो ये टोटल अगर हम दोनों साइड ऑफ अकाउंट को हम क्लोज कर सकते हैं, तो अब जो ये अमाउंट आया है इसको हम ले लेंगे ऑपरेटिंग में। तो ले लेते हैं स्टूडेंट्स प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये अकाउंट आपके पास ये जो आया है ये वर्किंग नोट से आया 27,000, ठीक है। फिर 2,13,000, ठीक है। अब ये जो 2,30,000 आया है, 13, ये क्या आया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। देखो वैसे तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे करंट ईयर का प्लस करते हैं और लास्ट में प्रीवियस ईयर का माइनस करते हैं अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी गिवन ना हो। बट स्टूडेंट्स अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको गिवन और अगर आप अकाउंट प्रिपेयर करके कर रहे हो तो यहाँ पे वो वाला आएगा जो मेड वाला है, और जो पेड वाला है ना वो लास्ट में माइनस होता है। फाइन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब डेप्रिसिएशन प्रॉफिट वगैरह लेने के लिए हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो पहले फिक्स्ड एसेट्स का करते हैं। एसेट अकाउंट है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरेड डाउन। तो ये आ गया 12 लाख, ठीक है, और कैरेड डाउन कितना आ गया 9,60,000। फिर अब क्या क्या गिवन है, देखो उसने सेल करी है, डेप्रिसिएशन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो सब ले लो। सबसे पहले यहाँ पे बैंक में क्या अमाउंट आता है, सेल वाला। तो अब आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाओ और जाके देखो कि फिक्स्ड एसेट 30,000 का था, उसको आपने 36,000 में सोल किया। तो इस बार आपको सेल वैल्यू बताई हुई है। देखो 30,000 का था स्टूडेंट्स, 36 पे बेचा है, ज़्यादा पे बेचा, आपको प्रॉफिट हुआ है। टू PNL अकाउंट, ये आपको प्रॉफिट हो गया कितने का, 6,000 का। देन डेप्रिसिएशन की इस बार आपके पास क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगी जो कि आ रही है 2,10,000 की। तो अब आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। तो अब जो ये अमाउंट आया हम इसको ऑपरेटिंग में ले जाएंगे, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लो। तो इन्वेस्टमेंट्स में स्टूडेंट ये भी एसेट अकाउंट है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो इसका आपको अमाउंट गिवन है 1,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड भी क्या बताया हुआ है, 24,000 की थी और 25,500 में बेचा है। तो बैंक में कितना गया है स्टूडेंट, सेल से 25,500 गया है। देखो इन्वेस्टमेंट थी कितने की, 24,000 की, बेचा 25,500 में रहे हो, ज़्यादा में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना। PNL अकाउंट प्रॉफिट कितने का हो रहा है, सिर्फ 1,500 का। और यहाँ पे आपके पास टू बैंक करके परचेज की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो जब आप क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देख रहे हो, जैसे देखो ये इतने का था और इतने का हो गया है ना, तो डायरेक्टली दिख रहा है कि बढ़ रहा है तो परचेज ही आएगी बैलेंसिंग फिगर, बट उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कुछ सेल हुआ है, तो इसलिए हमें अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो 2,05,500, 2,05,500। तो अभी आपने डेप्रिसिएशन की जो बैलेंसिंग फिगर निकाली है 2,10,000 की, वो यहाँ ले लो। फिर जो प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट माइनस कर दो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो कि 1,500 का और है, ठीक है। फिर इसमें से और माइनस कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पे भी हो रहा था, कितने का हो रहा था, 6,000 का। तो स्टूडेंट जब आप इसको माइनस करोगे, सब कुछ करोगे, तो आपके पास 4,15,500 का अमाउंट आएगा। और ये क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फाइन, अब देखो हम पहले क्या माइनस करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं वो माइनस कर दो, करंट एसेट बढ़ रहा है तो माइनस। फिर ट्रेड पेबल कम हो रहा था, ये भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि करंट लाइबिलिटी कम होती है तो माइनस। इतने क्वेश्चन कर लिए, अब ये तो आता ही है। अब इन्वेंट्रीज कम हो रही है तो इसको हम प्लस कर देंगे 90,000, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करके आपके पास अमाउंट आएगा 3,31,500, ठीक है, जो कि नेगेटिव बैलेंस आएगा। तो ये आ रहा है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें से आप टैक्स पेड माइनस करोगे जो कि हमने वर्किंग नोट में निकाला था, जो कि 2,22,000 का अमाउंट आ रहा था। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस करके 5,53,500 आएगा, ठीक है। बट ये इस बार नेगेटिव आया है, तो ये कैश यूज्ड आया है इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग में सबसे पहले सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है,
कितने की सेल हो रही थी, 25,500 की। फिर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, 36,000 का। देन परचेज भी हो रही थी इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो कि था 54,000 का। इसको सॉल्व करके 7,500 का अमाउंट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब अगर फाइनेंसिंग देखें तो सबसे पहले प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ मॉर्गेज लोन था ना स्टूडेंट, जो पिछले साल कुछ नहीं था और इस साल था तो बढ़ गया था, है ना, 8,10,000। देन इंटरिम डिविडेंड जो वहाँ पे प्लस किया है उसको यहाँ पे माइनस कर दो, पेड हुआ है ना 1,20,000, ठीक है, और इसको सॉल्व करके आपके पास 6,90,000 का अमाउंट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइन। तो लास्ट में स्टूडेंट नेट इंक्रीज और डिक्रीज आप देखोगे तो 1,44,000 से इंक्रीज हो रहा है। इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। देन ये क्लोजिंग को देखेंगे तो इन दोनों को प्लस करके क्लोजिंग के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।